दोस्तों आईपीएल साल 2021 का सीजन शुरू होने में अब बहुत ही कम समय रह गया है और आईपीएल का 14th एडिशन शुरुआत होने में अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक महीने से भी कम का समय रह गया है और माना जा रहा है आईपीएल 2021 बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जहां सभी फैंस बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं अपनी फेवरेट टीम और फेवरेट प्लेयर को मैदान पर उतरता हुआ खेलता देखने के लिए। और वो ज़रूर चाहते हैं कि उनकी फेवरेट टीम आईपीएल साल 2021 का खिताब जीते। वहीं सभी टीमों की तरफ से दिन भर में काफ़ी अपडेट्स बाहर निकल के आती है, बट आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम की। और दोस्तों काफ़ी फैंस का, काफ़ी व्यूवर्स का ये लंबे समय से सवाल था कि केकेआर के पास जो बेंच स्ट्रेंथ है, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो बहुत सारे हैं, बहुत मजबूत हैं। जहां ओपनिंग की बात कर ले, मिडिल ऑर्डर की बात कर ले या लोअर ऑर्डर की बात कर ले, केकेआर के पास फॉरेन प्लेयर्स भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन के अंदर हैं। तो एक वीडियो आप ज़रूर चार फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर बनाओ कि कौन कौन से प्लेयर्स यहाँ प्लेइंग 11 में मौका बनाएंगे। तो खैर दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ टॉप चार ऐसे फॉरेन प्लेयर जहाँ शुरुआती मैचों से केकेआर की टीम इनके साथ शुरुआत कर सकती है। तो कौन से हैं ये प्लेयर्स, क्या आपकी प्रेडिक्शन सही होती है या क्या, दोस्तों आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो हमेशा की तरह काफी मजेदार, काफी इंटरेस्टिंग होगी, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम आईपीएल साल 2021 के लिए बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। बैटिंग लाइनअप की बात करें, बॉलिंग लाइनअप की बात करें या फील्डिंग की बात करें, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की बात करें, सभी के अंदर केकेआर बहुत मजबूत नजर आ रहा है। इसके अलावा चार फॉरेन प्लेयर्स आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कौन से चार फॉरेन प्लेयर्स टीम में जगह बनाने वाले हैं। और इन चार फॉरेन प्लेयर्स के अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं और यही चार आते हैं तो यहाँ दोस्तों केकेआर को तीसरी बार चैंपियन बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग चार फॉरेन प्लेयर्स केकेआर की प्लेइंग 11 में कौन से होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, हालांकि दोस्तों ब्रेंडन मैकुलम बहुत पहले अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि वो शुरुआती मैच के अंदर पुराने कॉम्बिनेशन के साथ ही खेलना चाहते हैं, बट आपको बता दें प्रैक्टिस कैंप के अंदर अगर कोई करंट प्लेयर फॉर्म के अंदर नहीं रहता है तो उसको प्लेइंग 11 से हाथ धोना पड़ेगा। और क्यों धोना पड़ेगा, दरअसल दोस्तों साल 2020 के अंदर केकेआर के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे और उन्होंने दोस्तों हड़बड़ाहट के अंदर ज़्यादा मैचेस भी नहीं दिए अलग अलग प्लेयर्स को। यहाँ दोस्तों ऑलमोस्ट एक एक मैच ही खिलाया और एक मैच के अंदर किसी का भी परफॉर्मेंस निखर के नहीं आ पाता है, बट यहाँ साल 2021 के अंदर काफ़ी अच्छे ऑप्शन केकेआर के पास मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स टीम में जगह बनाने वाले हैं। सबसे पहले फॉरेन प्लेयर का नाम है कप्तान आयोन मॉर्गन। अब दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, कप्तान आयोन मॉर्गन यहाँ टीम को लीड करेंगे तो वो प्लेइंग 11 में जरूर होंगे ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों आंद्रे रसल दूसरे प्लेयर बनते हैं। आंद्रे रसल का नाम भी यहाँ पूरी तरह से कंफर्म है और ये खुशखबरी भी है आंद्रे रसल की तरफ से कि वो पूरी तरह से फिट है और ऑलमोस्ट 14 के 14 मैच यहाँ वो खेलने के लायक हो चुके हैं। फिटनेस वो बहुत जमकर कर रहे हैं, यही खुशखबरी है एक फैंस के लिए। इसके अलावा अगर तीसरे फॉरेन प्लेयर्स की बात करें तो वो है दोस्तों पैट कमिंस। दोस्तों पैट कमिंस बहुत अच्छे फॉर्म के अंदर नजर आ रहे हैं, हालांकि वो नंबर 1 T20 बॉलर तो है, यानी जो उनका लेवल है T20 का वो दोस्तों बहुत ही वर्ल्ड क्लास है, बट वो अभी भी T20 के लिए इतना ज़्यादा खास नहीं बन पाए हैं। आपने साल 2020 के अंदर देख लिया होगा, बट साल 2021 के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे शेप के अंदर नजर आएंगे, बट उनको एक जोड़ीदार की जरूरत पड़ेगी ही। तो आप नीचे जरूर कमेंट करके बताओ कि पैट कमिंस का जोड़ीदार कौन होने वाला है साल 2021 के अंदर। अब दोस्तों सबसे मेन सवाल है चौथा फॉरेन प्लेयर कौन सा होगा, क्या वो शाकिब अल-हसन होंगे, क्या वो बैन कटिंग होंगे या क्या टिम साइफर्ट होंगे या क्या सुनील नारायण होंगे। तो यहाँ दोस्तों जो चौथे फॉरेन प्लेयर है वो है शाकिब अल-हसन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों का गैस सही गया होगा कि शाकिब अल-हसन यहाँ जगह बना पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड रैंकिंग में यहाँ नंबर 5 के ऊपर है शाकिब अल-हसन, टेस्ट के अंदर नंबर 2 के ऊपर है, ODI में नंबर 1 पर है, T20 में ऑलराउंडर्स के लिस्ट में, हालांकि दोस्तों बैन के बाद भी इनके ऊपर ये जो लिस्ट है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 5 की बनी रही। तो इसी को देखते हुए केकेआर इनको ज़रूर मौका देगा प्लेइंग 11 में, ना सिर्फ प्लेइंग 11 में मौका देगा बल्कि दोस्तों नंबर 3 या नंबर 4 के ऊपर इनकी बल्लेबाजी भी आएगी। तो खैर आप नीचे ज़रूर कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन से चार फॉरेन प्लेयर्स प्लेइंग 11 में जगह बनाते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें।